हाथ फेरे भर लू बाहों में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। सही बात सब गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और ताजे व्लॉग में। आज डेट है 5th of July, June 2024 एंड टाइम हो रहा है 9:16 AM। सुबह में एक बार उठा था 2-3 बजे करीब और गया था मंदिर, बट मंदिर में लगी थी भीड़ गाइस, बहुत तगड़ी भीड़। और अब मैं तुझे कुछ ये है कुछ नज़ारा, वाह मैंने वही क्या चीज़ दिखा दी तुमने। ये तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर। So guys, खाना खा रहे हैं हम लोग, ठंडा भी हो गया। गाइस हमारा खाना आ चुका है, दाल मखनी और चावल, चावल आ चुके हैं, दाल बैठ जाओ बाकी उधर बैठ जाएंगे। तुझे कितना बोलना होता है भाई यार सब। और आज आप लोगों को जैसे पता ही हम हमारा दर्शन हो नहीं पाए थे, आज जैसे कि आप लोगों को पता था हमारे दर्शन नहीं हो पाए और हम दर्शन आज शाम को या फिर रात को या फिर कल करेंगे। और इस समय ठंड से बुरा हाल है, मौसम नहीं है गाइस, मौसम दिखाऊं ठंडे नहीं है गाइस, ये देखो मौसम गाइस, मौसम है नहीं ठंडा, क्या कह रहा था गाइस नहीं यार ठंडा गाइस, देखो टी शर्ट ठंड से ठुठुर रहा है, ऐसा कर रहा है ये लड़का। गाड़ी की चाबी दे गाड़ी से, यही कुछ है बाकी खाते हैं और फिर हम उनको अपडेट देते हैं उनको गाइस। ओके ओम के ओम के भाई लोग, ये रहा राइट हैंड साइड केदारनाथ का, तो भाई लोग दर्शन हो गए हैं और शाम की आरती हो रही है। मैंने आप लोगों को शाम की आरती के शॉर्ट्स रील वाले फॉर्म में दिखा दी हूँ मैं, और यही कुछ है बाकी। ये लाइन लगी हुई, ये लाइन का इकले लगी हुई, पानी का इकले लगी हुई है गाइस, और बारिश भी पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू की है और थोड़ी देर में बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी। सो भाई लोग यहाँ से जल ज़रूर लेना होता है, वो जल ले लिया मैंने, इसी में आता है यार एक डब्बा सा आता है, ये रहा दिखा दो तुम्हें क्या आता है, ये भी ले लिया मैंने और प्रसाद वगैरह सब है। अब एक बार ऊपर चढ़ के भीमशिला की पूजा परिक्रमा कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने घर की तरफ। ओह गुमाना भाई घर कितना याद आ रहा तुम्हें, तो चलते हैं अभी पहले भीमशिला की पूजा कर लेते हैं। ये रही भीमशिला, सो भाई लोग मंदिर के दर्शन कर लो रात को 9 बजे करीब, और यही कुछ है। और इस व्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ चुका है, एंड एंड तो नहीं कर रहा हूँ, इसी की कंटिन्यूशन में कल सुबह व्लॉग बनेगा, उसके साथ में डाल दूंगा मर्ज करके कंटिन्यूशन में, यही कुछ है। बाकी अब हमारे अपने खाना खुना खा लिया हमने, अपने कैंप में जा रहे हैं और रेस्ट करेंगे। The next day. So hey, what's up? Good morning guys and welcome back to the all new vlog. All new तो नहीं है खैर, टाइम हो रहा है 7:43 एंड 6 जून है डेट इज द, और कल के व्लॉग का कंटिन्यूशन ही हो गई है बिकॉज कल का व्लॉग कुछ बहुत बड़ा नहीं बना था बिकॉज कल पूरा दिन हम केदारनाथ में ही थे। अभी की बात करें तो मौसम खुल चुका है एंड वो देखो टॉप भाई, होंठ बहुत ज़्यादा फट चुके हैं, देखो होंठों की तो बैंड बच चुकी,
हमारी भी बैंड बज चुकी। अभी जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर, व्यू देखो तुम। ड्रायर मारने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। माना भाई तुम्हारी तो जान निकल गई सारी। डंडे डुंडे से कुछ नहीं होता जब मौत बुलाती है तो। ये देखो तुम, ये है कुछ अलग ही नजारा। और ये देखो भाई लोग, वैसे तो मैं जाते हुए दिखाऊंगा बट अभी भी देख रहे हो, ये रहा हुआ हेलीकॉप्टर जिसकी लैंडिंग कहीं और ही हो गई थी, पायलट ने बचा लिया था जिसे। भाई ये रहा भैरवनाथ जी का मंदिर, यहाँ तो गया मैं, जूते वगैरह पहने मैंने, यहाँ गया था मैं और वीडियो वगैरह कुछ नहीं शूट करना क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा माना भाई मंदिर मंदिरों में यार मुझे बहुत अजीब लगता है वीडियो वगैरह शूट करना, तो बाहर आके मैं कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे कहीं जूते उतारे थे वहाँ वो करे, यहाँ पे अभी जूते पहने मैंने और अब यहाँ से जूते पहन के वापस नीचे और चलते हैं फिर। यहाँ वहाँ से केदारनाथ का भी व्यू आता है बहुत अच्छा, बट नहीं करा यार क्योंकि तुम्हें पता है मंदिर का शूट हो गया था, मैं जल्दी से नहीं करता। यही कुछ है, यह है स्नो कैप्ड माउंटेंस, दिस इज द व्यू। चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तो भाई लोग मैं यहाँ पे आ रखा था एंड पूजा वो यहाँ पे थोड़ी देर वो करा मैंने, फोटो शूट करा और ये देखो तुम सारा जहां। सो भाई लोग हम लोग पहुंच गए हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि पे और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ से। सो भाई लोग यहाँ से भी पूजा पाठ कर लिए और चलो जूते पहन के। सो केदारनाथ का बैक व्यू ये है, यहाँ से हम अभी आए हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि थी यहाँ पे, ये देखो। हाँ हाँ मैं कहता रहा डबल लेयर वाला, ये देखना, ये देख यहाँ पे जोड़ है इसमें, ये देख यहाँ पे जोड़ है। गाइस भी कह रहे होंगे क्या कर रही है, तो भाई हम इसका मुआयना कर रहे हैं ये कैसे लगाया भाई, क्योंकि भैया ना ये लाइन जब वही होती है तो आदमी ये देखो ट्रिपल लेयर में लगा रखा, एक दो तीन, ताकि मोटा हो जाए, थिकनेस बन जाए उसकी। ये है हमारा केदारनाथ की बैक साइड और ये हमारे चौरावाली ग्लेशियर वाले पहाड़। ये हैं वो दो स्ट्रीम्स, मैं दिखाऊँ कहाँ से, एक स्ट्रीम तो ये आ रही है, एक स्ट्रीम इधर से आई थी, ये पहाड़ बीच में आई था, एक इधर से, एक इधर से फैल के आई थी और अब तो इसको पूरा प्रोटेक्शन दे दी यहाँ पे देखो RCC लगा के, तो ये काफ़ी हद तक बचाई, ये पानी को ना यूँ यूँ कर देगी, मतलब ये केदारनाथ वैली की तरफ नहीं जाने देगी पानी को, ये दो भागों में एक तरफ उधर चली जाएगी नदी, एक तरफ इधर चली जाएगी कभी आई तो। गाइस ये भीमशिला है, ये केदारनाथ मंदिर का बैक साइड। सो भाई लोग मेरे बालों को इग्नोर करना क्योंकि मैंने ड्रायर नहीं मारा आज, आज रुके मेरा बाल बिल्कुल सीधे साधे लड़के कैसे जाओ अंकल बहुत रास्ता है इतने चौड़े रास्ते। मैं ये कह रहा था भाई लोग कि अपना बालों को इग्नोर करना मैंने क्योंकि मेरे बाल समय हो गए सीधे साधे लौंडे की तरफ, क्योंकि ड्रायर मारा नहीं, ड्रायर मारा क्या नहीं, यहाँ पे वोल्टेज है हाई और जगह होती है लो, यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो उसके चक्कर में यहाँ पे बार बार ऑटो कट हो जा रहा हो। चलो खाते हैं गाइस खाना और फिर निकलते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे ये वाले छोटे वाले ट्रैक्टर आते हैं रास्ते से ऊपर मस्त अपने। तो भाई लोग हम लोग चल रहे हैं अब घर की तरफ और चलते हैं मस्त मौज मस्ती मारते हुए। गुस्सा मत करो अंकल। तो भाई लोग ये है रेतस कुंड,
और यहाँ पे हर महादेव बोलने से बबुले फूटते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर, तो इसलिए यही कुछ है। और ये लैंडस्केप देखो आप भाई लोग, ये रहा हुआ हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, हमें उस उधर की तरफ आया नहीं मैं, तो इसलिए दिक्कत हुई अब, हमें चल रहा हूँ इधर से भाई लोग। ये रही लेक यहाँ पे, इस लेक में मैं एक बार रोहित को जरूर डुबाऊंगा। रोहित तुझे भेज दें इस लेक में अंदर, मज़ा आ जाएगा, जाएगा तेरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, है भाई तेरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बता दिया भाई जी से क्या हो गया, ये बहुत स्लो हो गया भाई। भाई से क्या हो गया गाइस, तो भाई लोग यहाँ से हम चल रहे हैं, हमने शॉर्ट कट रास्ता ले रहे हैं, शॉर्ट कट इन द सेंस कि ये पुराना रास्ता ही हुआ करता था, और हम यहीं से चल रहे हैं, यहाँ से हम पुराने रास्ते में निकल चुके हैं गाइस। सफर अनजाना, जा रहा होगा तुम्हें देख के कि मानो भाई कैसे चल रहे हो तुम अपने। भाई जी बीच में रुक गए, रुकने की थोड़ी ना हो रही, तुम गिरवाओगे मुझे रुकने के चक्कर में। तो भाई लोग यहाँ से देखो, अब यहाँ से सीधा बित्रामपुर के रास्ते चले जाओगे तुम, ये यहाँ से अगर तुम तेजी में आए तो यहाँ से सीधा बित्रामपुर के रास्ते, तो इसलिए यहाँ पे चलना है तो संभल के चलना पड़ेगा। जिस स्पीड से मानो भाई तुम चल रहे हो ना, तुम भी वितरामपुर पहुंच सकते हो भाई लोग। शॉर्टकट रास्ता है कह के केदारनाथ में ऐसे रास्ते से लिया है इन सबको मैं, अब ये सब मुझे गालियां दे रहे हैं मिलके। क्या मैं ये रास्ते से इन्हें सही लेके आया या नहीं ये बता दो मुझे गाइस, कमेंट करके फटाफट से। मैं तो बस ये बोल के लाया था कि यार शॉर्टकट रास्ता है, हमारे 2-4-6 किलोमीटर बचेंगे हमारे, ये कह के लाया मैं तो इन्हें, मेरी गलती इसमें, रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है तो पीछे तो बहुत ज़्यादा ख़राब था भाई, फोन निकालने की भी हिम्मत नहीं थी। चलो आ जाओ भाई, लोग ये रास्ता है, यहाँ से अगर हल्का सा पैर स्लिप हुआ सीधा बित्रामपुर। सो भाई लोग अपना आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो गया है, और तुम्हें एक कुछ चीज़ दिखाऊँ, मतलब लोगों के ना हिंदुस्तान में सच में घुटनों में दिमाग, पहाड़ पे सफाई कौन करेगा गाइस, ये देखो पहाड़ पे ये सफाई कौन करेगा, यहाँ दूर दूर तक मैन पावर की वैसे ही शॉर्टेज है, ऊपर से यहाँ इतनी गंदगी फैला रखी है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस गंदगी के बारे में? यार मेरे सिर यानी है वो अभी कला के साफ करना है, मैंने कला के साफ करना है, ये कुछ ज़्यादा नहीं कह दिया यार ये कुछ। भाई यहाँ लिखा हुआ सावधान, पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधान, कृपया सावधान पूर्वक चलें, कृपया सावधान पूर्वक चलें। भाई लोग मैं तो यहीं बैठा हुआ यार, पत्थर को मैसेज पहुँचा देना कि अभी मत गिरे, पूरे पत्थर को मैसेज पहुँचा दे अभी मत गिरे, बाद में गिरे, मैं अभी तो बैठा हुआ गाइस। बहुत भयंकर हवा चल रही यार भाई लोग, मजा आ रखा, अबे दीदी का दिमाग है घुटने पे, घोड़े पे नहीं है, ये देखो दीदी का दिमाग घुटने पे, किसका दिमाग घुटने पे, दीदी का दिमाग घुटने पे, ऐसे मेम लगा दूंगा। One hour later. तो भाई लोग मैंने अभी आते हुए ज्यादा व्लॉग नहीं किया, बट हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, एंड ये रहा अपना गेट, ये मतलब थोड़ी देर में हम एक्चुअल गौरीकुंड में पहुंच जाएंगे, ये गेट हो गया। वैसे अब यहाँ से अपना यात्रा हमारी सफल रही भाई, शक्ल हो चुकी है बेशकल, और केदारनाथ का यात्रा हमारी हुई सफलतापूर्वक, अच्छे सफल। तो भाई लोग डिपार्ट कर चुके हैं हम, 6-7 बजे करीब डिपार्ट हो गए थे, 9:38 हो रहा है टाइम इस दा अभी,
और अभी जा रहे हैं हम चोपता की तरफ, तो तुंगनाथ मंदिर पे जाना है। एंड तो इस रोड पे NH107 छोड़ चुके हैं हम और तुंगनाथ वाली रोड को पकड़ लिया है। ओके गाइस, पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।